दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और ये है मनीष न्यूज सेंटर और आप देख रहे हैं मनीष न्यूज टीवी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान बुरी तरह से जख्मी हुई दिव्या खोसला कुमारी। बॉलीवुड की अभिनेत्री और निर्देशक दिव्या खोसला कुमारी हाल ही में अपने आगामी प्रोजेक्ट की शूटिंग के दौरान बुरी तरह से घायल हो गई। शूटिंग के दौरान वह लोहे की एक ग्रिल से टकरा गई थी और जिसकी वजह से उनके गाल की एक हड्डी गंभीर रूप में जख्मी हो गई। दिव्या खोसला कुमारी घायल एक्ट्रेस ने अपने इंस्टा पर चोट के एक साथ अपनी कई तस्वीरें शेयर की है और उसकी जानकारी फैंस को दी है। तस्वीरों में दिव्या के चेहरे पर चोट के निशान साफ साफ नजर आ रहे हैं। दिव्या खोसला कुमारी घायल अभिनेत्री निर्देशक दिव्या खोसला कुमारी वह अपने आगामी प्रोजेक्ट की शूटिंग के दौरान घायल हो गई थी और इसी बात की जानकारी एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर चोट के निशान के साथ फोटो शेयर करते हुए दी है। इस खबर के बाद फैंस उनके ठीक होने की कामना कर रहे हैं। इन तस्वीरों में दिव्या के चेहरे पर चोट के निशान साफ साफ नजर आ रहे हैं, जिनसे समझ में आ रहा है कि उन्हें चोट लगी है। इससे चेहरे पर चोट के कारण वह लाल निशान हो गए हैं और एक तस्वीर में उनकी आंखों की नम भी दिखाई दे रही है। और इस तस्वीरों को शेयर करते हुए दिव्या ने कैप्शन में लिखा है, अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए एक एक्शन सीक्वल की शूटिंग के दौरान बुरी तरह से घायल हो गई थी, लेकिन शो चलते रहा था। अपने आपके आशीर्वाद पर हीलिंग के एक एनर्जी के साथ यह जरूर करना पड़ेगा और शो को आगे ही रखना पड़ेगा। कुछ समय पहले दिव्या खोसला कुमारी ने अपने मोस्ट अवेटेड सीक्वल यारिया 2 की शूटिंग की जानकारी दी थी और यारिया 2 इस साल 20 अक्टूबर 2023 को रिलीज होने वाली है और दिव्या खोसला कुमारी इस फिल्म के साथ साथ बाद बतौर निर्देशक वापसी कर रही है। उनकी आखिरी निर्देशन फिल्म सनम रही थी और इस यारिया 2 की स्टारकास्ट की बात करें तो फिल्म में मीना जाफरी, बरीना हुसैन, अनासबारा राजन और परलवी पुरी और प्रिया प्रकाश बारिश भी रहने वाली है और जो इस फिल्म के बॉलीवुड में भी डेब्यू कर रही है। और फिल्म के निर्माता भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, दिव्या खोसला कुमारी और आयुष मल्होत्रा कर रहे हैं। कंगना रनौत की जेल में बवाल काटेगी हरियाणवी डांसर अंजलि राघव। कंगना रनौत का रियलिटी शो लॉकअप का एक दूसरा सीजन जल्द ही टीवी पर दस्तक देने वाला है। इसका पहला सीजन ओटीटी पर जारी हुआ था। दरअसल लॉकअप का पहला सीजन धमाकेदार रहा है और रोमांस के यह लेकर कंट्रोवर्सी तक पहला सीजन काफी चर्चाओं में रहा है और अब दूसरा सीजन शुरू होने वाला है तो कंटेस्टेंट के नाम भी सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि शो में हरियाणवी डांसर मॉडल अंजलि राघव की एंट्री हो सकती है और अंजलि राघव की कंगना रनौत की एक जेल में कैद होने के लिए चर्चा ज्यादा हो रही है। फिलहाल लॉकअप 2 को अपने कंटेस्टेंट के नाम को लेकर चर्चा में बना हुआ है। रिपोर्ट्स के माने तो यह सामने आया है कि बिग बॉस के कई कंटेस्टेंट को लॉकअप सीजन 2 में लिए प्रपोज किया गया है और अप्रोच किया गया है और अब कंगना रनौत शो को लेकर नया अपडेट सामने आया है। दरअसल इस शो के लिए एक फेमस हरियाणवी डांसर अंजलि को अप्रोच किया गया है और बता दें कि अंजलि राघव नॉर्थ इंडिया के काफ़ी पॉपुलर है और अंजलि स्वर्ग घर और कैसे रिश्ता खट्टा मीठा जैसे शो में भी नजर आ चुकी है। इसके अलावा अंजलि राघव हरियाणवी म्यूजिक वीडियो में भी अपने डांस का खूब धमाल मचा चुकी है। अंजलि राघव लाइव शो के जरिए फैंस का मनोरंजन करती है और उनके लटकों झटकों पर केवल हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश ही झूमता रहता है। ऐसे में अंजलि राघवन के लॉकअप 2 में देखने के लिए फैंस काफ़ी एक्साइटेड है। हालांकि बता दें कि अभी तक अंजलि के लिए खबरों पर अपनी एक चुप्पी नहीं तोड़ी है। परसा छाबड़ा के टुकराया कंगना रनौत का शो। बता दें कि कंगना रनौत की रियलिटी शो लॉकअप 2 27 मार्च को शुरू हो रहा है और इस शो के मेकर्स ने बिग बॉस 13 के कंटेस्टेंट पारस छाबड़ा को भी बुलाने का एक पूरी कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो मेकर्स पारस की भारी भरकम फीस को देते हुए तैयार हुए हैं, लेकिन हालांकि इसके बावजूद भी पारस ने कंगना रनौत के इस शो को ठुकरा दिया है। पारस ने पहले भी उमर रियाज और दिव्या अग्रवाल भी लॉकअप सीजन 2 को लेकर लाना मान चुके हैं और दिव्या अग्रवाल ने भी ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया और बताया है कि वह कई सारे रियलिटी शो बतौर कंटेस्टेंट कर चुकी है और वह अब बहुत ही खुश है और इनका किसी रियलिटी शो में आने का कोई भी प्लान नहीं है। किडनी ट्रांसप्लांट कर चुके हैं राणा दग्गुबाती। ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली के भल्लाल देव का किरदार निभाने वाले अभिनेता राणा दग्गुबाती ने हाल ही में चौंका देने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि उनकी दाहिनी आंख काम नहीं करती है। उन्होंने चैट शो इस बात की जानकारी दी थी कि जब वह छोटे थे तब उनका एक कॉर्नियल
ट्रांसपेरेंट हुआ था और इसके बाद वह उन्हें सिर्फ बाई आंख से ही देखा जा सकता था। इतना ही नहीं, अभिनेता ने अपने अन्य समस्याओं के बारे में भी खुलासा किया है। राणा का खुलासा। साल 2016 में जब तेलुगु चैट शो मेमो सैथम में उन्होंने लड़ने से रोते हुए अपनी कहानी सुनाई थी और राणा ने उस बच्चों को शांत करवाने के लिए कहा था कि मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा और मेरी दाहिनी आँख काम नहीं करती है और मैं केवल अपनी बाई आँख से ही देख पाता हूँ और दाहिनी तरफ से आपको आप के देख रहा हूँ और किसी और के आँख है और एक व्यक्ति ने अपनी मृत्यु के बाद मुझे अपनी आँख दान में दे दी थी और अगर ये अपनी दाई आँख बंद कर लूँ तो मुझे कुछ नहीं दिखाई देता है। किडनी ट्रांसप्लांट भी कर चुके हैं राणा दग्गुबाती। अभिनेता ने आगे कहा, शारीरिक समस्याओं के कारण बहुत ही लोग टूट जाते हैं और कई बार मैं समस्याओं पर ठीक भी नहीं हो जाती है, लेकिन एक अजीब सा भारीपन रहता है और मेरे एक कॉर्नियल के ट्रांसप्लांट हो चुका है और मेरी किडनी ट्रांसप्लांट भी हो चुकी है और ऐसा लगता है कि यह एक टर्मिनेट हो और लेकिन मैं हार नहीं मानता हूँ। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS News TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त चला है दर्शकों को ब्रेक का। प्रेस रिलेटिंग के बाद एक और देश और दुनिया की तमाम खबरें। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS News।